नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं स्टूडी पाठशाला। आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से पीएचडी के स्टूडेंट जो हैं वो अपने एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे। पीएचडी स्टूडेंट मीन्स पीएचडी आप अभी करने वाले हो, आप लोगों ने अपना फॉर्म फिलअप किया तो फाइनली एडमिट कार्ड का वो डेट अब आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ बड़ा बढ़िया सा आपको एक मेल गया हुआ है। प्लीज आप लोग फॉर्म फिलअप करते वक्त जो मेल बीएचओ को दिए थे वो मेल आप अपना ओपन कर लो, क्योंकि आपको बीएचओ ने एक मेल किया हुआ है जिसमें उन्होंने पूरा आपको डेट बताई है। साथ ही साथ आपका जो एक पेपर होने वाला था, मैं आपको बताया था, आपका एक पार्ट बी, आप कह सकते हो कि एक आपका रिसर्च मेथडोलॉजी का जो पेपर है वो ऑफलाइन होने वाला है, ऑन द सेंटर होने वाला है। सो फाइनली आप सभी को वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि वो पेपर एक्चुअली देना कैसे है। बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन मुझे कॉल के माध्यम से मिला, सो फाइनली ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि ऑलरेडी पीएचडी पे मैं ही बस वीडियो कवर कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन वगैरह भी लोगों ने कवर किया, बट नॉट लाइक कि बहुत प्रॉपर वे में आपको समझाया। मैं लास्ट वीडियो भी लगभग 10 मिनट का बहुत अच्छे से समझाया कि पेपर पैटर्न कैसे होगा और ये दो गेटवे जो है एडमिशन के वो कौन कौन से है, याद आ रहा है? एक सीयूटी पीएचडी वाला, दूसरा ये जो एग्जाम टेट का है नेट जेआरएफ के थ्रू। तो फाइनली ये एडमिट कार्ड मिला हुआ है एग्जाम टेट वालों को। अभी हो सकता है कि नया कोई डेट आए जिसपे आप लोग को ही बुलाया जाएगा जो सीयूटी वाले होंगे, तो आप लोग अपना मेल चेक करो और मैं आपको बताने वाला हूं कि एडमिट कार्ड कहां मिलेगा पहले, ठीक है? तो एडमिट कार्ड तो आपको बीएचयू ऑनलाइन पे ही अवेलेबल हो जाएगा। ये है पीएचडी का, यहाँ पे भी आइकन आएगा, वो आएगा 7 से 14 के बीच में, ठीक है? 7 से 14 के बीच में आपको एडमिट कार्ड यहीं पे जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। फाइनली सब्सक्राइब कर लो बस और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ये मेल उन बच्चों को गया है, आप लोग अपना मेल चेक करना, शायद आपको भी गया हो, जनरली जिन्होंने नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड है, ओके? अब इसमें लगभग इन्होंने 12 पॉइंट दिया है, बड़ा प्रॉपर वे में समझाऊंगा और आपको समझना भी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो प्रॉब्लम है, खासकर जो बीएचयू के बच्चे हैं जो ऑलरेडी बीएचयू में अभी मास्टर्स कंप्लीट किए हैं या बहुत दिनों से करके बैठे हुए थे और वो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, तो उनको तो पता है कि एक्चुअल रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है या किस विषय से संबंधित बनाना है। उन बच्चों का समस्या आ रही है जो बाहरी बच्चे हैं, तो फाइनली आप दोनों लोग इस वीडियो को देखो, जहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा वो कहीं ना कहीं आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बाकी आप लोग कमेंट में भी डिस्कस कर सकते हो आपस में। पहला तो यहां पे है कि आपका ये रिटेन रिसर्च प्रपोजल होने वाला है। रिटेन यानी कि ऑफलाइन आपको लिखना है। कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, तो यहां पे ये बता रहे हैं कि टोटल 5 पॉइंट होगा 50 मार्क्स का, यानी एक पॉइंट कितना 10 मार्क्स का, 10 नंबर का एक पॉइंट होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का, यानी जो भी टॉपिक है। लाइक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई हिस्ट्री से करना चाहता है तो आप हिस्ट्री में ही कोई टॉपिक चूज करोगे, कोई मास मीडिया में अगर करना चाहते हैं तो मास मीडिया से संबंधित कोई भी टॉपिक वो चूज कर सकता है, ठीक है? अपने ही यूजी के या पीजी के, खासकर जो पीजी वाला है यहां पे मेंशन किया हुआ है, मैं आपको यहां पे कंफर्म करूंगा। तो यहां पे आप समझ गए टोटल 5 पॉइंट्स है, मैं पहले यहां क्लियर कर देता हूं। पहला है इंट्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेटमेंट, दूसरा है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है? एम्स हो गए, ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस और मेथोडोलॉजी, यानी वो कौन सा उसमें मेथोडोलॉजी आप यूज कर रहे हो उस रिसर्च के लिए, वो हो गया। उसके बाद है सोर्स ऑफ डाटा, इथिकल कंसिडरेशन, इंप्लीमेंटेशन और जस्टिफिकेशन और रिवेलेंस ऑफ द स्टडी। ये टोटल 5 पॉइंट्स है जो कि बेसिकली आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। ऑलरेडी आप पहले से पढ़े रहोगे तो इसको अच्छा लिख पाओगे, तो लिख के प्रैक्टिस कर लेना, बढ़िया रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे जो पेपर होगा ये फिक्स होगा, कोई एक्स्ट्रा कॉपी नहीं दी जाएगी। इवन पेपर में भी, यानी जो कॉपी दी जाएगी आपको लिखने के लिए, उस कॉपी में भी सब चीज पहले से ही फिक्स होगा कि ये चीजें यहां ही लिखी जानी है, आपको बस जाके लिखना है, कोई भी एक्स्ट्रा आपको पेजेस नहीं दिए जाएंगे, वो सब कुछ पहले से फिक्स और लिमिटेड होगा अकॉर्डिंग टू द जो भी इनका एग्जाम पैटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने टॉपिक को वहां पर प्लेस कर देना, ओके? आपके पास पेन में यहाँ पे 2 कलर है और बाल पॉइंट पेन ही है ब्लू और ब्लैक में, ओके? ओके, यहाँ पे थोड़ा आपके लिए एक अवेयरनेस के लिए है, लाइक आप एक लिए रिस्ट्रिक्शन समझ सकते हो या फिर एक वार्निंग, आप पेज पे किसी प्रकार का कोई सैंपल नहीं यूज कर सकते हो, अदरवाइज वो अनफेयर मीन में आ जाएगा, तो आपकी कॉपी को कंसिडर ना करें या फिर रिजेक्ट कर दे। कहने का मतलब ये है कि आपको उसमें सैंपल लगा के आप ये फिक्स मत कर देना कि कॉपी मेरी है और आपका उधर कहीं जुगाड़ हो, मतलब ये एग्जाम में हमेशा लिखा रहता है हर जगह पे, तो ये भी यहाँ पे लिखा होगा। सेपरेट स्पेस फॉर रफ वर्क, ये सब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि रफ वर्क भी होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे 9वां हो गया, हाँ, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू मूव आउट द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से बाहर आप नहीं जा सकते, डेट टाइम खत्म ना हो जाए, ओके? ये भी सही है।
आंसर शीट आपको अपने इंजुलेटर को देना है, भी सही है। एनी कैंडिडेट इज फाउंड यूजिंग द अनफेयर मीन, वो भी ठीक है। और एडमिट कार्ड जो है ये आपको 7 से 14 तारीख के बीच में आपके ही पोर्टल में मिल जाएगा, ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एक जो चीज मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिला नहीं, एक मिनट बता रहा हूँ। 5 points हो गया, 10 marks हो गया। आंसर शीट प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी इज डोमेन, ओके, मतलब जो भी उसमें डोमेन है पांचों वो पहले से वहां पे उसके लिए स्पेस दिया गया रहेगा। हाँ देखो यहाँ ऊपर ही है ये पॉइंट, यही मैं बोल रहा था, आपको टॉपिक चूज कहाँ से करना है ये पॉइंट आप देखो। कैंडिडेट्स हैज टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल ऑन द टॉपिक रिलेटेड टू द मेन डिसिप्लिन, ठीक है, इन विच ही सी हैज ऑब्टेन्ड द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यानी जो आपकी पीजी डिग्री है उसी से संबंधित, यानी आपने पीजी जिस सब्जेक्ट से किया हुआ है, जिस विषय से किया हुआ है, उसी से रिलेटेड आपके रिसर्च प्रपोजल लिखे जाएंगे। और मैं इतना ज्ञान आपको दे रहा हूं, जहां तक बीएचयू के लोगों को मैं जानता हूं, ये ऑलरेडी अपने प्रोफेसर के बहुत टच में है और अपने प्रपोजल को कई बार जाके चेक तक करा चुके होंगे। तो आप इसके लिए अभी आपके पास समय है लगभग 10 दिन मान लो, तो आप अपने प्रपोजल को एक बार अपने जो कॉन्टेक्ट के टीचर्स हैं उनको आप रिव्यू करवा लो, आप उनसे पूछ लो कि सर ये 5 points बेसिकली कितना बढ़िया से बनाया जा सकता है अगर मेरा ये टॉपिक है। हो सकता है कि आप उनसे मिलो तो आपके टॉपिक को भी वो क्या थोड़ा सा क्या रिफॉर्म कर दे, आपके टॉपिक को भी थोड़ा सा वो बदल दे, जिससे कि आप और बेहतर अपना प्रपोजल रेडी कर सको। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट बेसिस पे पिक आउट कर लूंगा, स्पेशली पीएचडी वालों के लिए मैं बता रहा हूं। बाकी मेरे यहाँ सीयूटी वगैरह की क्लासेस चल रही है, आपके कोई भी जूनियर छोटे भाई बहन हो तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं बीएचयू पाठशाला का, जो भी यूजी के पीजी के कोर्सेज है सब कुछ चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि बीएचयू पाठशाला के बहुत सारे मेंटर्स भाई इस बार रिसर्च प्रपोजल अपना तैयार किए हुए और वो भी अपना जीआरएफ क्वालिफाइड है और वो भी जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो लोग सफलता हासिल करेंगे और उनको भी अपनी एक सीट मिल जाएगी। बहुत शुभकामनाएं हैं, मुस्कुराते रहिए और आप भी बढ़िया रिसर्च प्रपोजल लिख के ले जाइएगा और एक अच्छे रिसर्चर बनिए, एक अच्छा अपना जो भी आइडियाज है आने वाले समय में एज अ रिसर्च स्कॉलर आप इस यूनिवर्सिटी को दें और वो हम लोग को कहीं पढ़ने को मिले, बहुत सारे छोटे भाई बहनों को पढ़ने को मिले और आप प्रोफेसर बन जाओ और आपसे भी पढ़ने का मौका मिले। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ओके, हर हर महादेव।